हाय गाइस, वेलकम टू सत्यास व्लॉग्स एंड फन। आज के वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ के टॉप मोस्ट स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई के टूर में। तो चलिए चलते हैं अंदर। वेलकम इन टुडेज व्लॉग। आज हम लोग आए हैं मेरे स्कूल डीपीएस भिलाई, वर्ल्ड फेमस स्कूल है जो अंडे के सब जगह गाड़ी लगी। सो गाइस, यहां हम गेट से अंदर जा रहे हैं। सो गाइस, टेलिंग यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, हमारे स्कूल को फर्स्ट रैंक डे बोर्डिंग स्कूल इन छत्तीसगढ़ का प्राइस 3 बार मिल चुका है एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया के द्वारा। सो यू कैन गेस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हियर। सो गाइस, हमारे स्कूल के 2 कैंपस हैं, मरोदा कैंपस और रिसाली कैंपस। जो कि रिसाली कैंपस है वो सीनियर कैंपस है जिसका टूर हम आपको करा रहे हैं। यहाँ पर सभी सीनियर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो कि क्लास 6 से 12 तक है। सो गाइस, आप यहाँ का कैंपस एरिया देख सकते हैं। कैन यू गेस कितने एरिया में बना है? सो गाइस, सेलिंग यू अबाउट इट, 16 एकर्स एरिया में बना है एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन August 20, 1985 बाई अ जॉइंट वेंचर बिटवीन डीपीएस सोसाइटी एंड भिलाई स्टील प्लांट। सो भिलाई स्टील प्लांट ने 16 एकर्स लैंड दिया था, उस पर पूरा कंस्ट्रक्ट हुआ है। आप एरिया देख सकते हैं पूरा, हम आपको पूरा टूर करा रहे हैं। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wait. Lotus का चाहिए था ना, Lotus का ले लो ना। हाँ, मैं ले लूँगी आते टाइम, इधर का पूरा आते टाइम। तो गाइज, इस स्कूल में यहाँ नर्सरी से क्लास 12 तक 5212 स्टूडेंट पढ़ते हैं और यहाँ पे 195 टीचर्स इन्हें पढ़ाते हैं। यहाँ का टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है 26 स्टूडेंट पे 1 टीचर है। सो गाइज, यू मस्ट बी थिंकिंग हम अचानक से आपको डीपीएस भिलाई का टूर क्यों करें। सो टेलिंग यू, हमारा पीटीए मीटिंग था यहाँ पे, सो हम आए हैं तो सोचे कि आपको दिल्ली पब्लिक स्कूल दिखा दें। सो हियर वी आर गाइज। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम एंट्री ले रहे हैं यहाँ से। रिसेप्शन एरिया है ये। Going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna... So guys, reception area mein school ko jo bhi prizes mile wo arrange kiye hue hain, ab dekh sakte hain। तो यहाँ से एंट्रेंस है जहाँ से हम जाएंगे मल्टीपर्पज़ हॉल की तरफ। सो गाइस, ये है हमारा मल्टीपर्पज़ हॉल। जो भी व्लॉग देख रहे होंगे उन्हें याद होगा, यहाँ पे सभी फंक्शंस होते हैं, एनुअल डे, स्पेशल असेंबलीज, फाउंडेशन डे। यहाँ पे एक साथ 2000 लोग बैठ सकते हैं। सो गाइस, हम व्लॉग तो आपको दिखा रहे हैं लेकिन हमारा जो मेन पर्पज़ इज अटेंडिंग द पीटीएम। सो फाइनली हम जा रहे हैं क्लास की तरफ, यहाँ से हम जाएंगे क्लास 10th। सो गाइस, चलते चलते वी मस्ट रिमेम्बर, यहाँ पे दौड़ भाग के हम लोग कितना थक जाते थे। गोइंग टू द म्यूजिक रूम, आर्ट रूम, रनिंग एंड रनिंग। Really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt बच्चा थक जाता होगा तो थोड़ा मेरा सोना बच्चा। Never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your सो गाइज, यहाँ जो प्राइम लोकेशन है यहाँ पे हमारे आई कार्ड के फोटो सेशंस होते थे और डांस प्रैक्टिस इज द मेन अट्रैक्शन वेयर वी एंजॉयड द मोस्ट। सो गाइज, जो 8A क्लास था वो 10th हो चुका है। पहले हम यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचर्स का स्टाफ रूम है। 8 क्लास इज कन्वर्टेड टू 10th क्लास हियर। सो हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो हम फाइनली क्लासरूम के अंदर जा रहे हैं, ये देखिए। सो गाइज,
यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं। सो गाइज़ यहाँ पे हम अपने क्लास टीचर से आपको नहीं मिला पाए हैं बिकॉज शी वॉज एबसेंट, सो देर वॉज अ सब्सटीट्यूट क्लास टीचर नीता जेम्स मैम। सो गाइज टेल अस इन द कमेंट विच सब्जेक्ट शी टीचर्स। सो गाइज टेलिंग द नेम ऑफ माई क्लास टीचर, माई क्लास टीचर इज सिंधु एस मैम, सो यू नो हाउ गुड शी टीचर्स मैथ्स। सो गाइज डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद हम बाहर निकल चुके हैं एंड हियर इज़ द मैथ्स लैब, इट इज़ एम्प्टी, ऑल एम्प्टी एंड प्रोजेक्ट्स आर केप्ट हियर, यू कैन सी। तो आइए चलते हैं अब यहाँ से। ये है यहाँ के सभी 10th एंड 9th क्लासेस। म्यूजिक रूम भी जाना, म्यूजिक रूम देखना। सो गाइज ये है यहाँ का गैलरी, बालकनी से हम यहाँ कितना देखते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेयरवेल, इट इज़ फुल फ्रॉम ऑल द साइड्स टू सी पीपल स्टैंडिंग इन द फेयरवेल पार्टी एंड एनी फंक्शन वी नीड टू वॉच वी स्टैंड हियर एंड द टीचर्स से चलो यहाँ से, अब रुक मत रुको यहाँ पे। AIL बोर्ड है, इंग्लिश एक्टिविटी, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, संस्कृत हिंदी, यहाँ का व्यू देखिए, सो गाइज फाइनली वी केम डाउन एंड हियर वी आर एंटरिंग द मल्टीपर्पज हॉल, क्या बोलते हैं ट्रायंगल है और रादर वी से असेंबली हॉल, स्पेशल असेंबली से लेकर फिर जो एनुअल फंक्शन होते हैं यहीं पर होते हैं। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का बैनर है, ये स्टेज है, स्टेज पर परफॉर्म भी कर चुके हैं, व्लॉग में देखे भी होंगे। यहाँ से हम आपको ले जा रहे हैं स्टेज की तरफ, स्टेज दिस इज द डेक पोडियम एंड हियर ऑल द कंट्रोल सिस्टम इज देयर, टुडे इट्स नॉट देयर बट लिव इट, ढक के रखा कंट्रोल सिस्टम। सो गाइज यहाँ हम आपको मल्टीपर्पज हॉल दिखा चुके हैं और ये देखिए यहाँ पे न्यू टाइल्स लगे हैं, पहले ऐसा नहीं था एंड दिस एरिया यूज टू बी एम्प्टी, हियर ऑल प्लांट्स आर देयर नाउ, इट्स फुली डेकोरेटेड। सो गाइस कैंपस हम लोग अंदर से आपको दिखा दिए, अब चलते हैं बाहर। पहले देखिए यहाँ पे पूरे ड्राइंग्स लगे स्टूडेंट्स के, जो भी अच्छे ड्राइंग्स हैं सिलेक्टेड ड्राइंग्स यहाँ पे लगे हुए हैं। सो गाइस ये है पी रूम, यहाँ का लोकेशन चेंज हो चुका है, पहले अलग रूम था एंड दिस इज़ द कैंटीन जो लॉक था अभी। वो वाला रास्ता हॉस्टल की तरफ जाता है, टीचर्स क्वार्टर की तरफ। इधर पूरा पार्किंग एरिया है प्रिंसिपल की गाड़ी का, अभी तो पेटीएम है इसलिए कोई नहीं बात। देखिए पूरे क्लासरूम से दिख रहे यहाँ का बास्केटबॉल कोर्ट, ये देखिए यहाँ के स्काई का व्यू कितना sun is shining and we are just proceeding further and this is the basketball, this is the football ground aur wahan pe dekhiye principal quarter aur wahan pe teachers quarter, uske piche fir girls and boys hostel hai aur idhar ka garden shri ji upadhyay, yahan pe inauguration ke the sports ka jo bhi hai and this is the garden, देखिए हर पेड़ पे सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं, देखिए कितना सुंदर लगाया हुआ है। अमृतांश पेड़ लाइन से लगाया हुआ है और अशोक का बहुत अच्छी गार्डनिंग है, मैं यहाँ के आपके गार्डन को आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो DPS स्कूल कितना सुंदर है, यहाँ पर्यावरण का भी बहुत ध्यान रखा गया है। दो ना तो चलते जाओ कहाँ से जाऊँ मैं? हाँ ले के तो गई थी मैं, पकड़ो तो जानू।
हाँ पास मेरे को जाने देती है, दौड़ के करके लेके आ जाना। नहीं नहीं मैम। तुम जा के करके आओ। क्यों? चलो ना। मैं उतना थक जाऊंगी यार। चलो। सो गाइस यहाँ से हम जा रहे हैं क्लास 6 to 8 की तरफ। पहले ग्रिल्स नहीं लगे थे, अब ग्रिल्स लगे हैं सर्कल्स में। सो गाइस इस एरिया में हम ब्रेक टाइम में टिफिन एंजॉय किया करते थे एंड वी यूज्ड टू वॉच पीपल गोइंग। सो गाइस फाइनली हम बाहर आ चुके हैं एंड फ्रॉम हियर वी विल शो यू ऑल न्यू थिंग्स दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड हियर। सो गाइस यहाँ पे जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज़ द अटल टिंकरिंग लैब, वी विल शो यू फ्रॉम इनसाइड। सो वी आर गोइंग हियर। तो देखिए यहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब है, यहाँ पे जो भी इनोवेशंस होते हैं वो होते हैं। दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। सो गाइस यहाँ पाम ट्रीज पे पेंटिंग की हुई है, पहले ये भी नहीं था। आपको एक्सपीरियंस तो हो गया, लुक सो कूल ना, तो सीखोगे, सो ब्यूटीफुल। पैसा खर्च करना पड़ेगा। एंड गाइस दिस इज द कार पार्किंग एरिया फॉर टीचर्स। देखिए पूरे कार पार्क्ड हैं, ऐसा कभी खाली नहीं होता है। रेडी? हेलो। इस सब बच्चों के द्वारा बनाया गया पेंटिंग है। सो फाइनली वी आर मूविंग आउट ऑफ द स्कूल। यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है, यू नो द डेज ऑफ पीटीएम कितनी भीड़ होती है स्कूल में। पूरी गाड़ी लगी हुई है, देखिए जाओ खड़े हो, तो खड़े हो आप भी जाओ ना जी। चप्पल नहीं। अरे so वहाँ जाना है, यहाँ से अब हम जा रहे हैं अपने कार की तरफ। You can see the whole campus from outside. गए नहीं, मैं क्या कहूँ? चलो अभी भी। अब मैं नहीं जाऊँगी। क्यों? चलो। तुम ही लेके आओ। मैं नहीं लेके आ सकती, मेरे को टीचर मारो। ये 2 नंबर का गेट। गेट नंबर 3। गार्ड है तो है। तो गाइस यहाँ पे है साइकिल स्टैंड, इस गेट से हम एंट्री करते थे स्कूल के टाइम। गेट नंबर 1 से कम एंट्री होती है, यहीं से ज़्यादा एंट्री करते हम लोग। साइकिल स्टैंड आप देख सकते हैं। सो गाइज यू मस्ट हैव एंजॉयड अ लॉट। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ आवर न्यू वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।